आवाज और आवाज के जादू ने जो एक बार भक्तिमय सुर छेड़ा तो कुलश्रेष्ठ भवन में आयोजित आर्य समाज नायकी मंडी शाखा के 62वें वार्षिकोत्सव में मौजूद सैकड़ों आर्यजनों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। वाद्य यंत्र हारमोनियम के तरानों पर दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलने आया था। ओढ़ली मैंने ज्ञान की चादर ओढ़ली, ओहम जपने से तेरा जीवन संवर जाएगा। ओम जपने से तेरा जीवन संवर जाएगा। मनमोहना कोई दर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। मेरा रंग दे बसंती चोला आदि भक्ति गीतों की प्रस्तुति ने प्रख्यात भजन गायक कंचन कुमार के संकीर्तन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। नायकी मंडी का ये वार्षिक उत्सव 3 दिन से चल ही रहा है, जैसे प्रधान जी ने भी बताया, और मैं दिल्ली से आया हूँ और भजन गायक के रूप में इस कार्यक्रम में इन्होंने अवसर दिया। और आर्य समाज के चिंतन को, ऋषि दयानंद की विचारधारा को मैं सारे भारत में लगभग 30 सालों से प्रचारित कर रहा हूँ। तो आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो जन जागरण के लिए कार्य करती है। आर्य समाज ने देश को वो दिया है जो अब सरकारें अपना उद्देश्य बना रही हैं। स्त्री शिक्षा के ऊपर हमने काम किया, अब आर्य समाज ने जो दिया वो अब देश कहता है इसके ऊपर हम काम करेंगे। बाल विवाह के बारे में हमने निषेध किया तो देश कहता है अब हम इसमें कानून बनाएंगे। इतना चिंतन आर्य समाज ने, इतना काम शिक्षा के क्षेत्र में, नारी शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद द्वारा स्थापित ये समाज आज बहुत आगे की स्थिति में पहुंच गया है। हर आदमी लगभग करीब 25-30 करोड़ के करीब हमारे फॉलोअर आर्य समाज को मानने वाले, ऋषि दयानंद को जानने वाले, मानने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग देश का प्रचार कर रहे हैं, आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सबको संगठित कर रहे हैं। और देशभक्ति की बातें, स्त्री शिक्षा की बातें बहुत कम लोग, बहुत कम संगठन करते हैं, केवल आर्य समाज के अलावा कोई नहीं करता है। तो इस क्षेत्र में आर्य समाज काम कर रहा है। नायकी मंडी उसका छोटा सा प्रयास है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितनी उपस्थिति है। तो धन्यवाद। देखते रहिए टीवी भारती समाचार।